स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाविकास अगाड़ी सरकार में लगातार फूट के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल एसटी कर्मचारियों की नाराजगी उद्धव ठाकरे सरकार पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 8 अप्रैल को एसटी कर्मचारियों ने एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर हमला बोला, उसके बाद अब एनसीपी के एक बड़े विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मातोश्री पर हमला करना चाहिए था, एसटी हड़ताल के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी किस तरीके से महाविकास अगाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, तीन पार्टियों की सरकार है। उद्धव ठाकरे चूंकि शिवसेना के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में एसटी कर्मचारी जो हमला शरद पवार के आवास पर करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी अब एनसीपी के नेताओं पर है। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि हमला जो है वो मातोश्री पर होना चाहिए था। मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे का आवास तो सीधे तौर पर शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें पिछले 5 महीनों से हड़ताल पर लगातार ये एसटी कर्मचारी चल रहे हैं और इन्होंने 8 अप्रैल को एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर हमला किया। इस घटना ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है और खुफिया तंत्र पर भी सवाल कई खड़े कर दिए हैं। मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े राजनीतिक नेता के आवास पर इस तरीके से हमला होता है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे हमले के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चूंकि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब है जो की शिवसेना के नेता है और ये वही नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उन्होंने घपले और घोटाले किए हैं, ये बड़ा आरोप उन पर लगा है, जिस पर ईडी ने कई बार शिकंजा भी कस चुकी है। तो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अब अनिल परब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और पुणे में जो एनसीपी के विधायक हैं दिलीप मोहिते पाटिल, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमला शरद पवार के आवास पर नहीं बल्कि मातोश्री पर होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवहन मंत्री शिवसेना के हैं, अनिल परब के पास परिवहन मंत्रालय है, इसलिए इस मामले का शरद पवार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ का इरादा शरद पवार पर जान पूछ कर उस विषय पर हमला करना था जिससे वे निपट नहीं रहे थे। यानी सीधे तौर पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे को एनसीपी विधायक ने जिम्मेदार ठहरा दिया है और इस तरीके से अब महाविकास अगाड़ी सरकार में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है ये साफ तौर पर वहां जो लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं उससे साफ हो जाता है। आज रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना आमने सामने आ गई है। दरअसल जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पहले ही ये चेतावनी शिवसेना और उद्धव ठाकरे को दी थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाए, ये साफ तौर पर कहा किया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो तमाम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां स्पीकर बजेगा, ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी। और रामनवमी के मौके पर कुछ इस तरीके से ये लाउड स्पीकर का विवाद जो है और गहरा गया है, जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना पार्टी के मुख्यालय यानी शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया है। हालांकि इस पूरी घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने शिवसेना मुख्यालय के बाहर मनसे द्वारा लाउड स्पीकर लगाकर जो हनुमान चालीसा बजाई गई थी उसे रोक दिया और पुलिस ने इस पूरे मामले में मनसे नेता यशवंत किलेदार को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और इस पूरी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। और राज ठाकरे ने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे और आज चूंकि रामनवमी का पर्व है तो ऐसे में मनसे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में शिवसेना भवन के बाहर भी हनुमान चालीसा बजाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में मनसे
नेता जो थे यशवंत किलेदार, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की इस मांग के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अजान के वक्त लाउड स्पीकर का डेसिबल स्तर कितना हो ये तय होना चाहिए। कि उनका बयान साफ आया था, लेकिन साफ तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, उससे बहुत परेशानियां जो हैं वो बढ़ रही हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हनुमान चालीसा का पाठ बजाएंगे। और इस कड़ी में इस तरीके का उन्होंने कार्यक्रम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि मनसे नेता को ही हिरासत में ले लिया गया है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी मनसे लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। हालांकि ये विवाद इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और वो जिस तरीके से हमलावर हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना की ओर से शिवसेना में जो पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे उनकी ओर से मनसे को बीजेपी की सी टीम करार दिया गया है। यानी कुल मिलाकर मनसे और बीजेपी के गठबंधन की कवायद भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तेज हो रही है और इसी कड़ी में ये लगातार रस्साकसी का दौर भी जारी है। फिलहाल कुल मिलाकर एक तरफ एसटी कर्मचारियों की हड़ताल, एसटी कर्मचारियों की नाराजगी और दूसरी तरफ अब लाउड स्पीकर को लेकर गहराया हुआ ये विवाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए वजीहत बन चुका है, क्योंकि लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उद्धव ठाकरे सरकार से की जा रही है। तो वहीं एसटी कर्मचारी जिस तरीके से नाराज हैं, जिस तरीके से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो शिवसेना के नेता अनिल प्रभ हैं, आपको बताया जैसे कि उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो ऐसे में अब साफ तौर पर जो एनसीपी के विधायक हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि एसटी कर्मचारियों ने एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर हमला किया है, वहां उन्होंने हमला बोला है, जबकि ये जो नाराजगी थी ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ होनी चाहिए थी, ये मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए थी, ये शिवसेना के नेता जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। और यही वजह है कि जो महाराष्ट्र में पुणे में जो एनसीपी के विधायक हैं दिलीप मोहिते पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में ये जो हुआ है ये मातोश्री पर होना चाहिए था और उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना को इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो शिवसेना को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए एनसीपी विधायक की ओर से ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले से निपटने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहे हैं। सवाल राज्य का था, वो मोर्चा बनाने चाहते थे, हम पर हमला करना चाहते थे, तो मातोश्री पर हमला करना चाहिए था कि उनकी तरफ से कहा गया, तब आपको हमले की कीमत का पता चलेगा जब मातोश्री पर हमला होगा, ये भी बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। केवल शरद पवार ही क्यों, विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने कहा कि इस राज्य में अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका अंत पवार के बारामती में नहीं बल्कि शरद पवार के कार्यालय में होना चाहिए। इस तरीके से उनकी तरफ से इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है कि शरद पवार के आवास पर ये हमला किया, ये नाराजगी एसटी कर्मचारियों की देखने को मिली है। आपको बता दें दिलीप मोहिते पाटिल एनसीपी विधायक हैं और वो एनसीपी से खेड़ आलंदी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शरद पवार के घर पर हुए हमले की निंदा हम करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया है जब ये हमला हुआ, हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये हमला शरद पवार के आवास पर नहीं बल्कि मातोश्री पर होना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं वो इस पूरे मामले को सुलझाने में, इस पूरे मामले से निपटने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहे हैं और एसटी कर्मचारियों की नाराजगी लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। पिछले 5 महीने से एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान ढूंढ पाने में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कामयाब साबित नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अपनों की ही नाराजगी अब इस तरीके से उद्धव ठाकरे को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल
आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।